क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ओके, कहना चाह रहा है कि शो दैट, एक सेट दे रखा है मेरे को, 1-1 आई माइनस आई, आयोटा आयोटा, ये आप इसको कुछ और मत समझ लेना, आई माइनस आई, वेयर आयोटा इज इक्वल टू है मेरे पास अंडर रूट माइनस वन, इज एन एबिलियन ग्रुप ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ऑपरेशन आपको दे रखा है बेटा, कैसा ऑपरेशन दिया हुआ है आपको, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन दिया हुआ है, कहना चाह रहा है कि ये कोई ग्रुप है, ओके, चलो देखते हैं ग्रुप है कि नहीं। ग्रुप होने के लिए चार कंडीशन पास होनी चाहिए, पहले वाली कंडीशन हो क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, हर बार गलत लिख रहा हूँ मैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन होती है ए सेट के अंदर से हो, जी के अंदर से हो, बी भी उसी सेट के अंदर से हो, ए बाइनरी ऑपरेशन बी भी उसी के अंदर से होना चाहिए, ओके, फॉर ऑल, हर एक एलिमेंट के लिए ए बी बिलोंग्स टू जी। ग्रुप के कोई भी दो एलिमेंट उठाओ जो आपका दिल चाहता है, आपने कहा कि सर माइनस वन बिलोंग्स टू जी, आपने कहा कि सर आयोटा बिलोंग्स टू जी, बिल्कुल सही बात है, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है, दोनों की गुणा करो, माइनस वन गुणा आयोटा कितना निकला, माइनस आयोटा बिलोंग्स टू जी, इस पर तो पास हो चुकी कंडीशन भाई। आप कहोगे सर ए की वैल्यू कुछ और उठाओ, बिल्कुल सही बात है, मैंने कहा ए इज इक्वल टू आयोटा, बी इज इक्वल टू उठाया आपने माइनस के आयोटा, करो गुणा, ए इंटू बी बराबर कितना निकला, आयोटा गुणा माइनस आयोटा, कितना निकला, माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, यानी निकल गया वन, बिलोंग्स टू द जी रखा हुआ है। आपने कहा कि सर ए की वैल्यू वन और आयोटा उठा लो, कोई बात ना, ए इज इक्वल टू लिया वन, बी इज इक्वल टू लिया आयोटा, फिर गुणा की ए इंटू बी बराबर कितना निकला, वन इंटू आयोटा बराबर कितना हुआ, आयोटा बिलोंग्स टू द जी। हर एक एलिमेंट के लिए कंडीशन पास होनी चाहिए, फोर ऑल के लिए हर एक एलिमेंट के लिए कंडीशन पास, क्लोजर तो पास हो चुकी। एसोसिएटिविटी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर टू, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नंबर टू, एसोसिएटिव इंग्लिश इतने मायने नहीं रखती, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर ए ग्रुप का एलिमेंट है, बी ग्रुप का एलिमेंट है, कोई तीसरा एलिमेंट सी बी ग्रुप का एलिमेंट है, तो बाइनरी ऑपरेशन के साथ ए स्टार बी स्टार सी बराबर होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी, क्लियर। चलो भाई कोई भी तीन एलिमेंट उठाओ जो आपका दिल चाहता है, मैंने उठाया वन की गुणा की, गुणा क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, मैंने उठाया वन, दूसरा उठाया आयोटा, तीसरा उठाया माइनस के आयोटा, तीनों की गुणा की माइनस आयोटा स्क्वायर निकला, माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन होता है, ये निकला माइनस, माइनस वन बराबर कितना निकल गया वन, बिलोंग टू द जी रखा हुआ है। कोई भी तीन एलिमेंट उठाओ, मैं उठा रहा हूँ माइनस वन गुणा आयोटा गुणा माइनस आयोटा, देखो आप माइनस माइनस प्लस बराबर कितना निकल गया तीनों की गुणा, आल्टा स्क्वायर निकला, आल्टा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, माइनस के वन, लॉन्ग टू द जी, क्लियर। तीसरी बात, एसोसिएटिविटी की बात करते हैं, वन गुणा आयोटा गुणा माइनस आयोटा बराबर जो होगा वन गुणा आयोटा गुणा माइनस के आयोटा, कैसे भी कर लो गुणा यार, आयोटा गुणा माइनस आयोटा बराबर कितना निकला है, वन निकला है, बिलोंग टू द जी, एसोसिएटिविटी पास। तीन एलिमेंट उठाओ उल्टा सीधा गुणा करो, हर बात रिजल्ट सेम आएगा। आइडेंटिटी की बात करते हैं, नंबर थर्ड आइडेंटिटी, देखना बेटा आइडेंटिटी की डेफिनेशन होती है कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू द जी होना चाहिए, ई बिलोंग टू द जी होना चाहिए, और ए स्टार ई इज इक्वल टू ए होना चाहिए, और ये भी सेट का एलिमेंट हो। अब एक बात बताओ, बहुत बार मैं आपको कह चुका मल्टीप्लिकेशन के केस में वन आइडेंटिटी होती है, वन की गुणा किसी के भी साथ कर लो, ओके, देखो आप वन गुणा आयोटा बराबर कितना निकला, आयोटा निकल गया, जब आप इसकी तुलना इससे करोगे, ए ये है मेरे पास, ए बराबर मेरे पास अगर आयोटा है, और ई बराबर मेरे पास अगर वन है, वन इंटू आयोटा, वन इंटू आयोटा इज इक्वल टू आयोटा होगा, तो जाहिर सी बात है आइडेंटिटी कितना आया, वन आ चुका,
वन की गुणा माइनस वन के साथ करो माइनस वन आएगा, वन की गुणा आयोटा के साथ करो आयोटा आएगा, वन की गुणा माइनस आयोटा के साथ करो माइनस आयोटा आएगा, सो दैट वन इज द आइडेंटिटी। सिंपल सा केस है। इनवर्स की बात करते हैं। इनवर्स देखना बेटा, मैं बहुत आसान से तरीके से की बात आपको इनवर्स बताऊंगा। क्या है तरीका? चारों एलिमेंट आप ऐसे लिखो, आपका ऑपरेशन दे रखा है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, चारों एलिमेंट लिखो आप, वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा लिख लिए, यहाँ लिखो वन माइनस वन आयोटा और माइनस आयोटा, इनके आपस में गुणा करो, वन इसकी गुणा इसके साथ वन, इसकी गुणा इसके साथ माइनस वन, इसकी गुणा इसके साथ आयोटा, इसकी गुणा इसके साथ माइनस आयोटा, माइनस वन की गुणा किसके साथ वन, माइनस वन गुणा वन माइनस वन वन, माइनस वन गुणा आयोटा माइनस आयोटा, माइनस वन गुणा माइनस आयोटा आयोटा, आयोटा की गुणा करो आयोटा इंटू वन आयोटा, आयोटा इंटू माइनस वन माइनस आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, आयोटा इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू वन, आपके सामने है। लास्ट देखता हूँ, माइनस आयोटा की गुणा वन के साथ माइनस आयोटा, माइनस आयोटा की गुणा माइनस वन के साथ आयोटा, माइनस आयोटा की गुणा आयोटा के साथ माइनस आयोटा स्क्वायर, देखो आप माइनस आयोटा की गुणा आयोटा के साथ माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस वन, कितना निकल गया वन आपके सामने, माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर यानी माइनस के वन। क्लियर? सर आपने ये क्यों किया? आपकी बार इनवर्स निकालने का दूसरा तरीका है बेटा, एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ गुणा करने से जहाँ भी वन आएगा वो उसका इन्वर्स होगा। जैसे माइनस वन की गुणा माइनस वन के साथ करते ही आपको वन मिला, तो माइनस वन का इन्वर्स क्या होगा, कितना होगा वन। आयोटा का इन्वर्स ढूंढता हूँ, आयोटा के साथ वन यहाँ आ रहा है, यानी इसका जो इन्वर्स होगा, इसका इन्वर्स कौन सा है ध्यान से सुनना, आयोटा का इन्वर्स कौन सा है, यहाँ वन आ रहा है, इसके ऊपर वाला एलिमेंट देखो, आयोटा का इन्वर्स कितना है माइनस आयोटा, माइनस आयोटा का इन्वर्स देखो आप, माइनस आयोटा का इन्वर्स, माइनस आयोटा के साथ यहाँ वन आ रहा है, देखो आप माइनस आयोटा का इन्वर्स आयोटा, माइनस वन का इन्वर्स, माइनस वन का इन्वर्स ये देखो आप माइनस के वन, आपको ये देखना है वन कहाँ आ रहा है, एक वन यहाँ आ रहा है, एक वन यहाँ आ रहा है, चार वन आएंगे और वन का इन्वर्स वन। ओके, एक तरीका तो ये है, जहाँ भी वन आ रहा है उसका रिवर्स एलिमेंट आयोटा, ये देखो आप वन गुणा वन वन, यानी यू एलिमेंट इसका इन्वर्स, माइनस वन की बात करता हूँ, वन यहाँ आ रहा है, माइनस वन किसके साथ गुणा करने पा रहा है, दोनों तरफ से देखो इंटरसेक्ट पॉइंट ये, यानी माइनस वन का इन्वर्स माइनस के वन, आयोटा बजाओ यहाँ वन आ रहा है, आयोटा का इन्वर्स माइनस के आयोटा, माइनस आयोटा का इन्वर्स देखो कहाँ है, वन यहाँ आ रहा है, माइनस आयोटा का इन्वर्स आयोटा। क्लियर? एक तरीका तो यही इन्वर्स निकालने का। दूसरा तरीका डेफिनेशन से देखते हैं भाई। इन्वर्स की डेफिनेशन ये होती है कि सर इन्वर्स की डेफिनेशन क्या है कि ए बिलोंग टू द जी होना चाहिए, बी बिलोंग टू द जी होना चाहिए, ए स्टार बी बराबर आना चाहिए आइडेंटिटी के। क्लियर है ना? ओके, यहाँ कैसे गुणा का, तो यहाँ होना चाहिए ए इंटू बी बराबर, आइडेंटिटी कितना है आपको पता है, मैं बता चुका था आइडेंटिटी वन है, मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी वन होता है, बराबर होता है वन। ढूंढना शुरू कर दो भाई, कोई दो एलिमेंट ढूंढो जिनका गुणा माइनस वन वन के बराबर हो, माइनस वन का गुणा माइनस वन के साथ करते ही वन आ चुका, यानी माइनस वन का इन्वर्स माइनस का वन, जो मैंने यहाँ बताया था आपको, माइनस वन का इन्वर्स माइनस वन। देखो आप आगे देखता हूँ भाई, आयोटा की गुणा माइनस आयोटा के साथ करो, आयोटा गुणा माइनस आयोटा कितना निकला माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन, कितना निकल गया माइनस माइनस वन, बराबर क्या हुआ वन, यानी यहाँ से निकला आयोटा इंटू माइनस आयोटा बराबर कितना हुआ वन, आयोटा का इन्वर्स माइनस आयोटा, ये देखो आप आयोटा का इन्वर्स माइनस आयोटा। आगे देखता हूँ अगले वाले का इन्वर्स देखो आप, तो जाहिर सी बात है माइनस आयोटा का इन्वर्स आयोटा हो जाएगा, रिवर्स भी होता है, हर एक एलिमेंट का इन्वर्स निकल चुका, माइनस वन का इन्वर्स वन माइनस के वन, आयोटा का इन्वर्स माइनस के आयोटा आपके सामने है, माइनस आयोटा का इन्वर्स आयोटा,
और वन का इनवर्स वन गुणा वन बराबर वन, आइडेंटिटी का खुद का वही इनवर्स होता है। ओके चारों कंडीशन पास, हर एक एलिमेंट के लिए पास, सो दैट जी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन प्लस माइनस आल्टा इज ए ग्रुप। डाउट है? नो प्रॉब्लम, आगे चलते हैं।